दोस्तों आज मैं आपको बताने जा रही हूँ स्लिप डिस्क, साइटिका, बैक पेन, दबी हुई नस का ऐसा इलाज जो बहुत ही साधारण है और इसकी सबसे बड़ी बात ये है कि ये बहुत ही असरदार है। दोस्तों बैक पेन, स्लिप डिस्क, साइटिका या दबी हुई नस में ज्यादातर लोग यही सोचते हैं कि इसका ट्रीटमेंट तो सिर्फ सर्जरी से ही संभव है, पर ऐसा नहीं है। पर लोग भी ऐसा पता क्यों सोचते हैं? क्योंकि साइटिका पेन या कमर दर्द बहुत ही दर्दनाक होता है जो कमर से पूरी टांग में फैल जाता है। इससे काम करने से लेकर डेली एक्टिविटी करने में भी दिक्कत आती है। पर मैं आपको एक चीज बता दूं कि कमर दर्द का इलाज, साइटिका का इलाज, स्लिप डिस्क का इलाज, दबी हुई नस का इलाज बिना सर्जरी के संभव है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं इसके इलाज के बारे में पूरी बात करूंगी। तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए ताकि आपको इसकी सारी जानकारी हो सके। दोस्तों 5 ऐसे क्वेश्चनों का हल आज इस वीडियो में आपको बताने जा रही हूं। सबसे पहला, स्लिप डिस्क, साइटिका या बैक पेन क्यों होता है, जिसे जान लेना हर एक इंसान के लिए बहुत जरूरी है। दूसरा, क्या स्लिप डिस्क और साइटिका वाला पेशेंट डेस्क वर्क कर सकता है, यानी किसी चेयर पर बैठकर 8-8, 9-9 घंटे काम कर सकता है? तीसरा, स्लिप डिस्क और साइटिका में किन चीजों से बचना चाहिए? चौथा, स्लिप डिस्क, साइटिका या बैक पेन, कमर दर्द, इनमें कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए? और फाइनल ब्लास्ट में आपको बताऊंगी कि घर पर अगर इसका इलाज करना हो तो कैसे किया जा सकता है। तो दोस्तों सबसे पहले जानते हैं कि साइटिका क्यों होता है। 90% साइटिका लोगों को डिस्क के स्लिप होने के कारण होता है। हमारी कमर के नीचे वाले हिस्से जिन्हें लंबर रीजन कहते हैं, जिसके अंदर डिस्क बनी होती है, जिन्हें आम बोलचाल की भाषा में छल्ले कहा जाता है, ये डिस्क ऐसी होती है जैसे कोई स्प्रिंग होता है। जैसे स्प्रिंग पर आप जोर डालते हैं और उसे छोड़ते हैं तो वापस वो स्प्रिंग अपनी शेप में, अपनी वैसी ही जगह में आ जाता है जैसे वो होता है। शरीर में भी ऐसा ही होता है, जब हम शरीर को मोड़ते हैं, नीचे झुकते हैं, उछलते हैं, तो ये डिस्क जो है वो स्प्रिंग की तरह काम करती है और वापस अपनी सही शेप में आ जाती है। लेकिन लगातार ऐसा ही होने से, लगातार ज्यादा जोर लगाने से, गलत पोजीशन में बैठने से, गलत पोजीशन में उठने से, बहुत भारी वजन नीचे से उठाने से ये डिस्क पर बहुत ज्यादा दबाव पड़ जाता है, जिसके कारण धीरे धीरे वहाँ सूजन आ जाती है, जिसे इन्फ्लामेशन कहा जाता है। डिस्क का जो लिक्विड होता है, जिसे वर्टिब्रास कहा जाता है, वर्टिब्रास का जो लिक्विड है वो बाहर निकलने लगता है, लीक होने लगता है, जो नर्व को कंप्रेस कर देता है, नर्व को दबा देता है। और टाइम के साथ सही ट्रीटमेंट नहीं लिया जाए तो ये पेन पूरी टांग में फैल जाता है। यह कमर से शुरू होता है, हिप्स में चुभन होती है और दर्द इसका पूरी टांग में और काफ मसल में, यानी पिंडलियों को सहना पड़ता है। दोस्तों अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन के आंसर के बारे में। क्या जिनको भी साइटिका पेन है या कमर दर्द है वो लंबे टाइम तक डेस्क वर्क कर सकते हैं, यानी कि 7-8 घंटे या 9 घंटे चेयर पर लगातार बैठ सकते हैं? दोस्तों यह डिस्क में सूजन और लिक्विड का बाहर आना, यह ज्यादा लंबे समय तक डिस्क पर दबाव पड़ने के कारण होता है। और ये दबाव जो है, लंबे टाइम तक अगर आप बैठे रहेंगे तो ये दबाव भी ज्यादा पड़ेगा। ऐसे बहुत से काम हैं जिनसे डिस्क पर प्रेशर यानी दबाव पड़ता है। जैसे आप भारी वजन को उठाते हैं, भारी सामान को धक्का लगाते हैं, नीचे से वजन उठाते हैं, पर यह एक बार करने से नहीं होता। जैसे कि आपने एक बार सामान नीचे से उठाया, भारी वजन को धक्का लगाया तो आपकी डिस्क में स्वेलिंग आ जाएगी, एक बार करने से ऐसा नहीं होता। लेकिन अगर आपका डेली का रूटीन कुछ ऐसा ही है, आप बहुत भारी वजन को नीचे से उठाते हैं, बहुत भारी वजन को धक्का लगाते हैं, कभी कभी कोई इंसान अपनी शौक ऐसा काम करता होता है जिसमें उसको ऐसा ही काम करना पड़ता है, या फिर कुछ लेडीज हैं घर पर, कभी बेड को धक्का लगा दिया, कभी किसी भारी सामान को धक्का लगा दिया, तो इस कंडीशन में लगातार ऐसा ही काम करते रहने से डिस्क पर बहुत दबाव पड़ जाता है, डिस्क का लिक्विड बाहर की तरफ निकलता है और वो साइटिका की नस को दबा देता है, जिसके कारण पूरी टांग में दर्द रहने लगता है। तो दोस्तों बात करते हैं ऐसी कौन सी 5 चीजें हैं जिनसे आपको बच के रहना चाहिए। सबसे पहली चीज, लॉन्ग सिटिंग नहीं करनी, यानी कि लंबे टाइम तक आपने नहीं बैठना। अगर लंबे टाइम तक 8-8, 9-9 घंटे आप चेयर पर बैठे रहेंगे तो ऐसा करने से डिस्क पर 5 गुना दबाव बढ़ जाता है। अगर आपको कमर दर्द नहीं भी है तब भी स्टार्ट हो जाएगी। दोस्तों आप क्या करिए, कमर दर्द सही रहे, कमर में कोई दर्द नहीं,
हो तो आपने क्या करना है, हर एक घंटे के बाद 15 मिनट के लिए उठिए और वॉक करिए। 15 मिनट नहीं उठ सकते तो कम से कम 5 से 7 मिनट तो जरूर करिए। इसके अलावा दोस्तों आपने कोई भी भारी भरकम एक्सरसाइज नहीं करनी, आपने तेज दौड़ना नहीं है, लेकिन आप कुछ एक्सरसाइज कर सकते हैं, वो है योगासन। वो कौन से योगासन है जो आप कर सकते हैं? सबसे पहला है भुजंगासन और दूसरा है मरकटासन। ये कमर में फ्लेक्सिबिलिटी को लाता है। दोस्तों जिनको भी स्लिप डिस्क है, साइटिका है, कमर दर्द है, उन्होंने तेज नहीं दौड़ना, क्योंकि जब आप तेज दौड़ेंगे तो डिस्क पर दबाव यानी कि प्रेशर बहुत बढ़ जाएगा और डिस्क बहुत डिस्टर्ब हो जाएगी, उस पर सूजन भी बहुत ज्यादा आ जाएगी। अब आप तब दौड़ेंगे जब आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। भारी सामान को धक्का नहीं लगाना, भारी सामान उठाना नहीं है, आपने वात यानी वायु वाली चीजें नहीं खानी। दोस्तों अब लास्ट में बात करते हैं इलाज की, कि इसका इलाज कैसे संभव है। हम बहुत सारी पोजीशन में सोते हैं दोस्तों, सोने की बहुत सारी पोजीशन है हमारी, लेकिन उनमें से एक पोजीशन ऐसी है जो डिस्क को रिलैक्स करती है, उसके दबाव को कम करती है। तो आप हमेशा ही लेफ्ट साइड या राइट साइड लेकर ही सोएं, सीधा नहीं सोएं। सीधा सोएंगे तो आपकी डिस्क पर बहुत ज्यादा दबाव पड़ जाएगा, इसीलिए लेफ्ट साइड या राइट साइड लेकर सोएं। ऐसा करने से डिस्क पर पड़ा हुआ दबाव कम होता है, और जब हम लगातार ऐसे काम करेंगे जिससे कि डिस्क पर दबाव कम पड़े, तो हमारी बॉडी उस डिस्क को रिकवर करना, सही करना बहुत तेजी से शुरू कर देगी। दोस्तों ठीक वैसे ही अगर हमारे कहीं कट लग जाए, नाइफ से कहीं भी कट जाए हल्का सा, तो अगर हम उस जख्म को हमेशा खुदेड़ते रहेंगे, हिलाते रहेंगे अपनी फिंगर से, तो वो जख्म ठीक होने में बहुत टाइम लेगा या फिर ठीक ही नहीं होगा। लेकिन उसके दूसरी तरफ हम उस जख्म को रिलैक्स दे देंगे, कोई छेड़ेंगे नहीं, कुछ नहीं करेंगे और बहुत आराम से उसे ठीक होने देंगे, उसको खोलेंगे नहीं, तो वो जख्म बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। ठीक वैसे ही अगर हम ऐसे काम करेंगे कि डिस्क पर दबाव नहीं पड़े, तो ये डिस्क की समस्या बहुत जल्दी अपने आप ठीक हो जाएगी। दोस्तों अब मैं आपको इलाज बता देती हूँ। तो दोस्तों इस इलाज को मैं दो भागों में डिवाइड करती हूँ। पहले भाग में आएगा इन्फ्लेमेशन यानी कि सूजन को दूर करना। जब आप सूजन को दूर कर देंगे, जो कि मन के, जिनको वर्टिब्रास कहा जाता है, छल्ले कहा जाता है, डिस्क कहा जाता है, डिस्क के अंदर जो सूजन आ चुकी है उसको सबसे पहले दूर करेंगे, उसके बाद हम इलाज करेंगे। सूजन को दूर करने के लिए बहुत अच्छी चीज है मेथी दाना, क्योंकि इसके अंदर एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती है जो हमारी बॉडी में से इन्फ्लेमेशन यानी सूजन को दूर करने का काम करती है। इसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर होती है, यानी कि ऐसी मैग्नेट होती है, ऐसी पावर होती है जो दर्द को भी खींच लेती है। इसके अलावा मेथी दाने के बहुत सारे फायदे हैं, जैसे कि ये डायबिटीज को क्योर करती है, शरीर में से वात यानी वायु को दूर करती है, हमारे बॉडी के अंदर खून को बढ़ाने का काम करती है, हाई ब्लड प्रेशर को क्योर करती है। तो दोस्तों आपने रोजाना एक चम्मच मेथी दाना रात को भिगोना है, सुबह इसका सेवन कर लेना है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इस वीडियो के दो भाग हैं, और तो दोस्तों अब बात करते हैं इलाज के दूसरे भाग की तरफ। दूसरा भाग ऐसा है जो नसों में आ रही कमजोरी को दूर कर देगा, नसों में जो इन्फ्लेमेशन सूजन आई उसको भी दूर कर देगा, नसों में होने वाला दबाव जो है वो भी कम कर देगा और नसों को बिल्कुल रिलैक्स कर देगा। दोस्तों इसका सेवन सिर्फ आपने 15 से 20 दिन करना है। वो है पारिजात। पारिजात एक पेड़ है, उसके पत्तों का हमने इस्तेमाल करना है। दोस्तों 7 से 8 पत्ते लीजिए पारिजात की। आपने इसे चाकू से नहीं काटना, आपने इसे चटनी बनानी है, रात के टाइम इसकी चटनी बना लीजिए। एक गिलास पानी के अंदर इसे 5 से 7 मिनट के लिए उबालिए, सिम फ्लेम पर उबालिए इस चटनी को जो पारिजात के पत्तों की है, और रात को ढककर रख दीजिए। सुबह उठकर आपने इसे हल्का सा गर्म करना है, बहुत गर्म नहीं करना, हल्का सा गुनगुना करके इसे छान कर पी लीजिए। ऐसा करने से नसों में होने वाली कितनी भी दिक्कत है, दबी नस की समस्या है, नसें कंप्रेस हो रही हैं, वो सभी ठीक हो जाती हैं। दोस्तों ये जानकारी, ये इन्फॉर्मेशन यहीं तक थी। दोस्तों अगर आप भी बैक पेन, साइटिका, स्लिप डिस्क, दबी नस की समस्या को ठीक करना चाहते हैं, तो इस इलाज को जरूर फॉलो करें और मुझे जरूर कमेंट करें फॉलो करने के बाद कि आपकी ये समस्या बिल्कुल ठीक हो चुकी है। दोस्तों अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी, आपके काम की है, तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।